नापाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि गोलीबारी में 4 सैनिक जो है वो शहीद हुए हैं, एक बच्ची भी जख्मी हुई थी। और आपको बता दें कि पाक फायरिंग की वजह से LOC के 5 किलोमीटर के दायरे में 84 स्कूल जो है वो 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि अलर्ट पूरे इलाके में जारी किया गया है। और ऐसे में सवाल ये है कि सरकार पाकिस्तान का फाइनल हिसाब कब करेगी। रात को बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई है और मुझे पता नहीं था कि आज स्कूल लगेगा। मैं स्कूल से मैं वापस जा रही हूँ घर, और बॉर्डर के 82 स्कूल बंद है और मेरा स्कूल भी इनमें ही आता है। हमारे पेपर मार्च में आ गए और स्कूल में कभी छुट्टियां पड़ती हैं और कभी स्कूल लगते हैं। तो पाकिस्तान की गोलीबारी में 23 साल के कैप्टन कपिल कुंडू सहित 4 सैनिक शहीद हो गए हैं। 10 फरवरी को कैप्टन कपिल का जन्मदिन था और वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। और कपिल के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और कपिल अपने जन्मदिन के दिन यानी 10 फरवरी को घर आने वाले थे और उन्होंने अपनी बहनों से कहा था कि वो माँ को सरप्राइज देंगे, इसलिए उनके घर आने की जानकारी माँ को ना दी जाए। और वहीं आपको बता दें कि कपिल की पढ़ाई पटौदी जिले के डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी और साल 2012 में कपिल का NDA में सिलेक्शन हुआ था और जहां से वो इंडियन आर्मी के लिए चुने गए थे। और इस खबर पर और जानकारी के लिए गुरुग्राम से मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन नारा लाइव मौजूद है। पवन, देश के लिए मान की बात है, देश को गर्व है जवानों पर, शहीदों पर, और इसके साथ ही परिवार में गम का माहौल है। क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? इस वक्त हम कैप्टन कपिल कुंडू के गांव रंसिका में मौजूद हैं। ये पटौदी के आगे गांव पड़ता है और पूरे गांव में सन्नाटा है। लोगों को इस बात का गर्व है कि उनके गांव के बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। लेकिन दुख इस बात का भी है कि नौजवान बेटा अपनी माँ से दूर हो गया, अपने गांव से दूर हो गया, अपना बलिदान दिया। आपको बता दें कि कैप्टन कपिल कुंडू की उम्र 22 साल 360 दिन थी। 10 फरवरी 2018 को वो 23 साल की उम्र के होते, लेकिन उससे पहले वो वीरगति को प्राप्त हुए। गांव में सन्नाटा है, पार्थिव शरीर का इंतजार है, लोग बैठे हैं। यहाँ कुछ देर पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। गांव वालों का कहना है कि वो शहादत देने के लिए तैयार है, 100 लड़के चाहिए होंगे तो वो भी देंगे, लेकिन एक बार में फैसला होना चाहिए। ये किश्तों में शहादत नहीं चलेगी कि बार बार कुछ कार्रवाई हो जिसका जवाब भारत दे, फिर कुछ कार्रवाई हो जिसका जवाब भारत दे, ऐसा गांव वाले नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ एक किश्त जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल पवन, तो वहां पर गम का माहौल है, सन्नाटा जो है पूरे गांव में पसरा हुआ है। परिवार वालों का भी यही कहना है कि बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन जो मुंह तोड़ जवाब है पाकिस्तान को एक ही बार देना चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा से नापाक हरकत ना करे। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पवन आपका। शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की कविताओं में देशभक्ति और शहादत का जज्बा दिखता था। उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी बहन के लिए एक कविता भी लिखी थी। अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूहे आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने काफी कत्ल किए हैं उस जहान में, बोला आशिक वतन हूँ गुनाहों की हर सजा मंजूर है। करके नम अपने चश्म बोले निजाम आलम, ऐसे दलेर आशिक से पहली दफा पाला पड़ा है। बोला खुदा कतार बहुत लंबी है अभी आने वालों की, कमी नहीं है मेरे मुल्क में उस पर मिटवाने वालों की। ये कविता कब भेजी थी कपिल ने आपके पास? दिसंबर में भेजी थी उसने मेरे पास। मैं हमेशा लगती थी ऐसी मत लिखा कर तू भाई, कहता नहीं दीदी आपको नहीं पता जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए दीदी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। परसों बात हुई उससे मेरी,
परसों बात हुई, बोला दीदी मेरी 10 की टिकट हो गई है, मैं आ रहा हूँ, किसी को बताना मत, सरप्राइज दूंगा मैं, हर बार की तरह सरप्राइज दूंगा मैं आके। उसका बर्थडे था 10 तारीख को, मुझे पता था ये उसकी डेस्टिनी यही थी, उसको उसको यही चाहिए था हमेशा, देश देश सब उसके लिए। मैंने बोला था भाई तू हमारा है, बोलता नहीं दीदी आपके लिए सबसे बाद में हूँ मैं, पहले अपने देश के लिए हूँ। मैंने क्या करेंगे कार्रवाई करके, एक कार्रवाई करेंगे वो दोबारा कार्रवाई करेंगे, मेरे भाई जैसे और बहनें रोएंगी, क्या करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। तो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहते थे और आज से 5 दिन बाद जो थे वो घर आने वाले थे, उनका जन्मदिन था और स्पीच कहीं ना कहीं जो माँ है उनके लिए एक बड़ा सदमा है। और खास बातचीत की माँ से सी मीडिया संवाददाता पवन नारा ने। गुड़गांव के रंसिका गांव की शान कपिल कुंडू, जिसको हर कोई अपने हीरो की तरह देखता था, आज उसके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। उनकी माँ सुनीता हमारे साथ हैं। माता जी, आपको ये कब खबर मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है, उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी? रात को 1:30 बजे बेटा। 1:30 बजे? हाँ जी। तो आपकी कपिल से बात कब हुई थी, क्या बातें करता था, क्या जुनून था उसका? बस बेटा वो यही कहता था कि मम्मी मैं आपका बेटा नहीं, मैं देश का भी हूँ, लेकिन मुझे कभी रोकना मत किसी काम के लिए, मैं जो करना चाहता हूँ मेरे को वो करने देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, जो तेरे दिल में आता है वो कर, लेकिन ऐसा करना कि हमें मतलब नीचा ना देखना पड़े किसी चीज के लिए। कहता था नहीं मम्मी आपको मैं कभी नीचा नहीं देखने दूंगा। 12th पास करते उसको NDA का टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया, वो अपना चला गया। हम भी खुश थे कि बच्चे को अपनी वो हो गया, उसको शौक था, पहाड़ों का भी था, जंगलों का था, उसको लिया कोर में था, लेकिन वो इन्फेंट्री में गया। कहने में मैं कोर में नहीं रहूंगा, मैं इन्फेंट्री में रहूंगा। हमारी सोच ही बदल जाती है उनकी, वहां पर जाके सोच ही बदल गई थी उसकी। परिवार में कौन कौन है कपिल के? में मेरी बेटियां हैं 2, मैं हूँ, बेटी की 3 बेटियां हैं, उसके चाचा का परिवार है, उसके 2 भाई हैं चाचा के बेटे, ये परिवार हमारा। तो पिताजी का कब देहांत हो गया था कपिल के? पिताजी का यही 8 फरवरी आने वाली है, इसमें 6 साल हो जाएंगे। 6 साल हो जाएंगे? हाँ जी। 2012। और छुट्टी कब आने वाला था कपिल? छुट्टी अभी 11 फरवरी को। उसका जन्मदिन कब है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी? मेरे को तो आज ही पता चला है कि वो 11 फरवरी को आ रहा था। मेरे को तो हर बार आके सरप्राइज देता था, जब दरवाजे आगे उतरता था, जब मेरे को पता चलता था कि मेरा बेटा आ गया है, अपनी बहनों को ही बताता था, बहनों से ज्यादा अटैच था वो, माँ से भी ज्यादा, उसकी अपनी बड़ी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता था। बहनें बड़ी हैं दोनों, छोटी को तो फिर भी वो बड़ी नहीं छोटी बहन समझता था, लेकिन बड़ी बहन को तो वो अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता था, अपनी बहन के साथ हर बात शेयर करता था। तो जहां परिवार में दुख का माहौल है, गम का माहौल है, वहीं परिवार को, गांव को, बल्कि पूरे देश को इन जवानों की शहादत पर गर्व भी है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 4 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं। एक बार फिर से सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया गया, 4 सैनिक जो है वो शहीद हुए हैं, कैप्टन कुंडू भी उनमें शामिल थे। आज उनका जो पार्थिव शरीर है उनके शहर गुरुग्राम में पहुंचेगा, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस बीच जो है देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश है अपने जवानों को भी खो रहा है, और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाए। जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि इसका जवाब दिया जाए। हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, हमारे सेना के जवान भी छोड़ेंगे नहीं, ना हमारे सुरक्षा बल के जवान छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतों को हम माफ नहीं करने वाले। तो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। हंसराज अहिर का ये बयान जो है वो सामने आया है। और मेरे साथ राजौरी से मेरे सहयोगी अमित फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है, और स्पीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल अभी वहां पर बना हुआ है, अलर्ट जारी किया गया, स्कूल बंद है, क्या कुछ तस्वीर वहां पर है फिलहाल?
बिल्कुल, अगर ताज़ा हालात की बात करें तो अभी राजौरी जिला अस्पताल में यहाँ पे पोस्टमार्टम जो है जवानों का किया गया था, उसके बाद जवानों के शव जो है वो यहाँ पर सेना के अस्पताल में भेज दिए हैं। वहाँ पर नामांकन से श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। वहाँ पे किसी भी मीडिया कर्मी को जो है वो अलो नहीं किया गया है उसके लिए। वहाँ से श्रद्धांजलि देने के बाद जवानों के शव जो है वो उनके घरों में जो है वो भेज दिए जाएंगे। वहाँ पे उनका अंतिम रस्म रिवाज के साथ फिर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। अगर उसके अलावा हट के बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो सीसा रेगुलेशन का उल्लंघन जो है बार बार यहाँ पे किया जा रहा है, उसका भारतीय सेना भी जो है वो जमकर यहाँ पे जवाब दे रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल जिस मिसाइल की तरफ से पाकिस्तान ने जिस मिसाइल जो दागी है वो मिसाइल जो है वो युद्ध के समय जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो बड़ी सेना की किसी बड़ी गाड़ी को उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो अगर उस सारी बात को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने अब युद्ध जो है वो छेड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले अगर बात करें पिछले 6 महीनों से लगातार राजौरी और पुंछ में गोले दाग रहा है, और सीमावर्ती इलाके में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादातर वो निशाना बना रहा है। जी बिल्कुल, हमें रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ जो इंतजाम है सेना की तरफ से किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से लोगों को शिफ्ट भी किया जा सकता है। राजौरी ने एक आर्डर निकाला था कल रात को ही, जो 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है वहाँ पर। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ पे सीमावर्ती इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको लोगों को उन्होंने हिदायत दी है कि लोग जो है मतलब घरों के अंदर रहें या बंकर जो बनाए गए हैं बंकरों में जाके अब रहें, क्योंकि बार बार लगातार सीसा रिलेशन का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पूरे इलाके में जो है अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है, और जिला इंतजामिया की तरफ से ये भी कहा गया है बिल्कुल तो हाई अलर्ट है वहाँ पर। फिलहाल लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मित्र।